श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं और कल पितृ पक्ष का अंतिम दिन है, यानी कि 14 अक्टूबर को पितृ पक्ष की अमावस्या है और कल शनिवार का दिन भी है, तो शनिवार की अमावस्या भी है, यानी कि शनिश्चर अमावस्या का भी शुभ और दुर्लभ योग बन रहा है। यानी कि पितृ पक्ष की शनिवार की अमावस्या है, ये अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा खास होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिश्चर अमावस्या भी है और आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको चार महा उपाय बताएंगे जो कि आपको कल के दिन करना है। देखो, चारों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ उपाय करना है। देखिए, भगवान शनिदेव जो हैं वो कर्म फलदाता माने गए हैं, न्याय के देवता माने गए हैं। सूर्य पुत्र शनिदेव हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर फल देते हैं। तो कहते हैं ना कि जब शनिदेव भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं ना, जीवन खुशहाल हो जाता है। जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आती है कि हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाता है। अगर वही कोई व्यक्ति अगर कुछ भी गलत कार्य करता है तो शनिदेव उसे दंड भी देते हैं। तो देखो, शनिवार के दिन अमावस्या है, इसीलिए शनि अमावस्या बहुत ज़्यादा खास है। शनिदेव के उपाय तो आपको करना ही करना चाहिए। शनिवार की अमावस्या खास होती है, उसी प्रकार से शनि जयंती भी खास होती है। तो देखो, शनिवार की अमावस्या है तो शनिदेव को प्रसन्न करने के आपको उपाय करना है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने से जन्म पत्रिका में यदि आपको शनि दोष भी होगा, शनि की अशुभ स्थिति भी होगी, तो वो आपके जीवन में जो भी प्रभाव अशुभ डाल रही है, जो भी आपको पीड़ा झेलनी पड़ रही है, तो वो सब भी दूर हो जाएगी। शनि की साढ़े साथी हो, शनि की ढैया हो, शनि से जुड़ी कोई भी परेशानियां हो, वो सारी परेशानियों से छुटकारा आपको मिल जाएगा। देखो, आज के इस वीडियो में जो उपाय हम बताएंगे वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके, समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव ज़रूर लिखें। देखो, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं जो कि शनिदेव को प्रसन्न करेगा। ठीक है, शनि अमावस्या बहुत ज़्यादा खास होती है और बहुत ही दुर्लभ होती है। ठीक है, तो शनि अमावस्या पर ही ये उपाय किया जाता है। एक तो शनि अमावस्या पर और एक शनि जयंती पर। देखिए, शनि ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए तो आपको छायादान करना चाहिए। छायादान करने से आपकी तमाम परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं। देखो, क्या करना है समझना, कल शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन एक कटोरी लेना। देखो, लोहे की कटोरी हो तो लोहे की कटोरी ले लेना, अगर लोहे की कटोरी नहीं है तो स्टील की कटोरी लेना। ठीक है, और स्टील की कटोरी के अंदर एक खील आपको डालना है, लोहे की जो खील होती है ना वो आपको उस कटोरी के अंदर डालना है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, शनिश्चर अमावस्या के दिन जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए इस कटोरी के अंदर एक रुपये का सिक्का भी आपको डालना है। अब आपको क्या करना है, आपको स्वयं को और इसी के अंदर आपको डालना है सरसों का तेल। ठीक है, अब सरसों के तेल के अंदर आपको क्या करना है, देखिए, अब आपको क्या करना है, आपका खुद का मुख देखना है, आपकी खुद की परछाई देखनी है। और आप जैसे ही परछाई देखेंगे, यानी कि आपकी परछाई का दान हो जाता है। जो भी छायादान करता है, वो जो भी छायादान इस प्रकार से करता है, तो उसके जीवन की सारी शनि से जुड़ी समस्या है वो सब दूर हो जाती है। शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है, ये अंतिम मौका है। ध्यान रखना, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। देखिए, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं, शनिश्चर अमावस्या है तो ये आपको छायादान करना है। अब जैसे आपने छायादान कर लिया, अब आपको किसी भी शनि मंदिर में जाना है, किसी भी बोतल में इस सरसों के तेल को भर देना और किसी भी गरीब को दान करके आ जाना जो भगवान शनि के मंदिर के बाहर बैठे हैं। और एक रुपये का सिक्का है वो शनि मंदिर में आप डाल देना, और जो खील है वो भी शनि मंदिर के आसपास कहीं पर आपको रख करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय करना है, शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, तुरंत इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, दूसरा उपाय बहुत ज़्यादा खास है, पितृ पक्ष का उपाय है। देखो, पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही सुनहरा मौका होता है पितृ पक्ष, और पितृ पक्ष की अमावस्या, ये अमावस्या इतनी खास होती है कि जैसे कि 16 श्राद्ध में जब पितृ धरती पर रहते हैं, ठीक है, और अमावस्या की रात्रि में पितृ जो हैं वो पितृलोक के लिए चले जाते हैं, तो आज का दिन सबसे ज़्यादा खास होता है। कहते हैं क्या, कहते हैं कि आज के दिन श्राद्ध करना, तर्पण करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इसीलिए आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। अमावस्या का दिन है, पवित्र अमावस्या है, आज के दिन एक रोटी बनाना है। ठीक है, बिना नमक की रोटी बनाना, उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा एक बूंद भले सरसों का तेल लगाना, अगर हो तो लगा देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सरसों का तेल का एक बिंदी आपको लगाना है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़े से काले तिल लेना है और इस रोटी को आज के दिन आपको किसी भी गौ माता को खिला करके आना है। ध्यान रखना, काली रंग की गौ माता होगी तो सबसे अच्छा है, काली रंग की गौ माता नहीं मिलती है तो सफ़ेद रंग की गौ माता को खिला देना, सफ़ेद रंग की गौ माता नहीं है तो लाल रंग की गौ माता को खिला देना। और जब आप खिलाओगे, सबसे पहले 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करना, अपने पितरों को प्रणाम करना, आपके पितृ दोष दूर हो जाए, पितृ आशीर्वाद में बदल जाए, ऐसी कामना करते हुए ये गौ माता को खिलाना और पितृ प्रसन्न हो जाए, पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, ऐसी कामना करते हुए ये उपाय करना। ध्यान रखना, जो भी ये उपाय करता है पितृ पक्ष की अमावस्या पर, उस व्यक्ति से धनी कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है, सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है पितरों का। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। शनि महाराज, शनि देव को प्रसन्न करना यानी कि जीवन के सारी समस्याओं को दूर करना। देखो, आपको क्या करना है, शनिवार की अमावस्या पड़ी है तो आपको आज के दिन जो काले तिल हैं, काले तिल 11 काले तिल आपको लेना है, ठीक है। एक कटोरी लेना, कटोरी के अंदर सरसों का तेल भरना, थोड़ी सी मतलब आधा कटोरी सरसों का तेल लेना, उसके अंदर आपको काले तिल डाल देना है, 11, 51, 41 जितने आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं। और आज के दिन शनि अमावस्या पर किसी भी शनि मंदिर में चल जाना और शनि देव का इन सरसों के तेल से, काले तिल से आपको अभिषेक करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लेना। जो भी व्यक्ति शनिदेव को इस प्रकार से अभिषेक करता है, यकीन मानिए उसके घर की सारी कर्ज की समस्या दूर हो जाती है, उसके घर से सारे धन संबंधित परेशानियाँ दूर हो जाती है, उसके जीवन की सारी अड़चनें दूर हो जाती है। तो कल ये उपाय करना। अब देखो, कई लोग होते हैं जो शनि मंदिर नहीं जा सकते, दूर होगा, तो आपके घर के आसपास जो बाहर रोड पर लेकर के जो निकलते हैं ना शनिदेव, शनि महाराज आते हैं ना, तो उनके ऊपर भी ये उपाय कर सकते हैं। उनके ऊपर सरसों का तेल अर्पित करना, काले तिल मिश्रित सरसों का तेल अर्पित करना। ध्यान रखना, काले तिल शनिदेव को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। जीवन को खुशहाल करना हो, जीवन में धन की परेशानियों को दूर करना हो तो ये उपाय आपको कल करना है। देखो, अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। देखो, शनिवार का दिन है, शनिदेव का दिन है और अमावस्या तिथि है। आपको क्या करना है, आज के दिन एक तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है और उसी के अंदर आपको 11 काले तिल के दाने डालना है। अब आपको क्या करना है, कोई भी शमी का वृक्ष हो, कोई भी शमी का वृक्ष आपके चाहे घर पर हो या कहीं पर भी हो, आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए ये जल जो है आपको डालना है शमी के वृक्ष की जड़ में। जो भी व्यक्ति शमी के वृक्ष में ये काले तिल मिश्रित जल अर्पित करता है, उसके जीवन में रोग की जो स्थिति होती है वो दूर होती है, समस्या जो होती है वो दूर होती है, शनि से जुड़ी जो परेशानी होती है वो भी दूर होती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए। ध्यान रखना, ये जो शमी के वृक्ष में जल अर्पित करने वाला जो उपाय है आपको सूर्यास्त के पहले पहले करना है। इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं जो कि आप कल के दिन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। कल बहुत ही प्यारा दिन है शनिदेव को प्रसन्न करने का, पितरों को प्रसन्न करने का, इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।